नमस्कार, अपन सर अपन घर में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं रूपाली। अब खबरों की ओर रुख करते हैं। कहते हैं कि किसान है तो हम सभी हैं, और वो नहीं तो हम नहीं। जीने के लिए सबसे उपयोगी हम सबों के लिए कुछ है तो वह है रोटी, उसके बाद कपड़ा और मकान। आज एक किसान और उसकी पत्नी अपने खेत में सिर पीट पीट कर रो रहे थे। कारण बीती रात उनके साथ कट्ठे में लगे बंद गोभी के पौधे को किसी ने बर्बाद कर दिया। यह घटना समस्तीपुर जिले के आधारपुर गांव की। रमन प्रसाद निराला खेती करके अपने दो बेटे को आईएएस की तैयारी और एक पुत्री एक पुत्र को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं खेती करके। परंतु उनकी दुश्मनी किसी से नहीं है, फिर भी उन्हें किसने नुकसान पहुँचाया जाँच का विषय है। बउआ सबसे हमारे बाल बच्चा पढ़ के लिख लेके देखो के कैला खान किरा कहिए भगवाने ने कह भगवाने के ना कहब लोग काम देख लिए कर कट्ठा में रोपने रहिए छः कट्ठा सात कट्ठा कौन चीज के खेती है बंधा के केकरो पर सको होइए कि ना हम सक ना करबै केकरो पर हम मालिक पर रख देलिए जे मालिक तू दूध के दूध आ पानी के पानी करिए हम केकरा कहिए हम केकरा पर सक करिए। मेरे मम्मी पापा इतने संवेदनशील आदमी है कि इस पौधे को एक बेटा बेटी की तरह प्यार करते हैं। हाँ मेरे पापा मम्मी यही करते हैं। मेरा दो भाई आईएएस की तैयारी करता है, वो दिल्ली में अभी, और मैं अभी अभी पढ़ाई करती हूँ। मेरे मम्मी पापा यही खेती से हर चीज हम लोग का करते हैं। अभी 50-60 हजार रुपया लगाए हुए थे, अभी हर दिन इसमें दवा पड़ता है। मतलब क्या बताएं आपको, इतना मेहनत लगा है कि आपको बता नहीं सकते हैं। रोज का रोज एक न एक दिन बीज करके हमने, ऐसे तो बारिश के कारण इतना खराब हो गया है, और ऊपर से देखो आप लोग देखो कितना काट दिया है। क्या लग रहा है आप लोगों को, मतलब कोई हम लोग किस पे शक कर सकते हैं आप बताओ। मैं किसी पे शक नहीं कर सकती हूँ ना, किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। आज पहली बार लगा है कि मेरा कोई दुश्मन है या कुछ भी, पहली बार लगा, लेकिन कभी हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि हम लोग को किसी से दुश्मनी है। बाल बच्चा कभी नहीं लगा, जो खराब आदमी हो फोन कर लेके थोड़ा ही दूरी पर है, आधारपुर में है, और मैं शिक्षक हो करके रिटायर हूँ। 2016 में रिटायर किया, और शुरू से ही पौधे से मेरा लगाव रहा है। हमारे दरवाजे पर इतना सुंदर फूल लगा हुआ, झोपड़ी थी तीन, वहाँ पर हम जैसे फूल लगाते थे, और थोड़ा बहुत हम खेती बाड़ी में अपना सहयोग करते थे। बच्चे हमारे दो हैं, अभी दिल्ली हैं, जो आईएएस की तैयारी करते हैं, और एक को भी बुला लिया है माजिल को, जो यहाँ खेती बाड़ी करने लगता है। हाँ वो उसको भी बुला लिया है, और हम पर छोड़ गया, दोनों प्राणी पर। बच्चे हैं हमारी, एक बच्चिया है, वो भी वहीं पढ़ती थी, चली आई है, तो वो सब नुकसान हमारे ये सोसाइटी का ही लोग किया होगा, दूसरा तो कोई किया नहीं होगा। कौन किया ना किया, किस चीज की खेती है, हैं किस बंदा की को, कितने कितने कट्ठे में खेती है? ये अभी लगभग 6 कट्ठा में होगा। क्या किया है क्या किया है? तो हसली से काट दिया है और उखाड़ भी दिया है, वो जो आप देख रहे हैं देख लीजिए। किसी से कोई दुश्मनी आपकी? मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मैं किसी से लड़ता भी नहीं हूँ। ये समाज में है बहुत सारा, किसी से लड़ाई मैंने की है? इससे पहले भी कुछ ले पहली बार नहीं, पहली बार है ये, पहली बार है मेरे साथ, ये पहली बार लोगों ने किया है। क्या नाम है आपका? रमन प्रसाद निराला। अच्छा, जो आदमी करता है कि कुछ है करते खाएंगे पिएंगे बाल बच्चा को पालेंगे पोसेंगे, इसके लिए वो करते हैं। मिनट पहले हमको सूचना मिली कि बंदा का पेड़ जो है उखाड़ दिया है और हसली से काट दिया है, तो खबर पा के हम आए तो जायजा लिए। तो यहाँ पर आप भी यही है, इसमें सत्ता है कि पेड़ को जानबूझ के उखाड़ा गया है और हसली से काटा गया है, और ये अपने गांव के अच्छे व्यक्तियों में से एक हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी का कोई बैर नहीं है,
और इनका लड़का भी थोड़ा डॉक्टरी लाइन में भी है, तो उस सभी को हेल्प भी कर रहे हैं। तो जिसने भी किया है गैर जिम्मेदारी काम किया है, इस पर हम लोग छानबीन करेंगे और प्रशासन से भी मांग करेंगे जिसका सही दोषी को सजा मिले।